हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग रेडमी 9 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 8999। दूसरा है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9999। कलर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको तीन कलर वेरियंट्स भी मिल जाते हैं, कार्बन ब्लैक, स्पोर्टी ऑरेंज और स्काई ब्लू। और कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमें मिलता है Redmi 9। सामने की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, और उसी के बगल में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको मी Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे की ओर फोन की एक फोटोग्राफ है। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला, और जो मेरे पास कलर है वो है स्पोर्टी ऑरेंज। फोन के बॉक्स में जो हमें MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है वो है 10999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया आपको ये फोन मिल जाएगा सिर्फ 8999 में। फोन की सार वैल्यूज की बात करें तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है, हेड की है 0.506 और बॉडी की है 0.833। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ये फोन रखा हुआ मिल जाता है, और काफी यूनिक सा कलर है ये। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस फोन का कलर कैसा लगा। फोन के साथ साथ बॉक्स में हमें एक ये व्हाइट कलर का एनवलप रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ मिल जाता है। उसी के साथ हमें इसके अंदर कुछ यूजर गाइड्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। हमें इस फोन के साथ कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो आपको मार्केट से एक कवर लेना पड़ेगा। बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये रेगुलर ब्लैक कलर का मिल जाता है Redmi का अडाप्टर, और ये एक 10 वॉट का चार्जिंग अडाप्टर है। और यहाँ पे हमें एक ये ब्लैक कलर की केबल भी मिल जाती है, ये है एक USB टू माइक्रो USB केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ इस तरीके का लगता है हमारा स्मार्टफोन। पीछे की ओर आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें एक ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पे हमें एक कैमरा सेटअप मिल जाता है, उसी के साथ LED फ्लैश है। फोन के बैक की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा हमें इसमें डिजाइन देखने को मिल जाता है। इस फोन की बैक में प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, और मुझे इस फोन का जो डिजाइन है ये लाइनिंग वाला जो पैटर्न है वो काफी पसंद आया। फोन के इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन काफी चौड़ा है, लेकिन ये फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। इस फोन का वेट है सिर्फ 195 ग्राम्स। फोन के फिजिकल OV की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको साइड में मिल जाती है स्पीकर ग्रिल, उसी के साथ आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड में हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है, उसी के ऊपर हमें दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाती है। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे हमें एक 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, और इस फोन में हमें IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली हमें Redmi के हर एक फोन में IR ब्लास्टर मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी सिम ट्रे, तो चलिए एक बार इसको भी खोल लेते हैं। और हमें यहाँ पे मिल जाती है ये तीन स्लॉट्स वाली एक ट्रे, तो एक टाइम पे आप इसमें दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक 6.53 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, और मैंने इस फोन को थोड़ी देर डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज किया हुआ है, और वहां पे भी जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है वो काफी क्लियर है। फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है MIUI 12 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो Redmi 9 में हमें मिलता है MediaTek Helio G35। यहाँ पे डिवाइस नेम है Redmi 9, MIUI वर्जन है 12.0.1। स्टोरेज की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो ऑक्यूपाइड है वो है 12GB आउट ऑफ 64GB। एंड्रॉइड वर्जन 10 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें वो है 20.27.1 की। Redmi 9 में हमें हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, कंपास, मैग्नेटोमीटर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक, लेकिन हमें Redmi 9 में जायरोस्कोप नहीं मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में हमें FM रेडियो, Wi-Fi कॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, Wi-Fi 5.0 है, वाइडवाइन L3 है, ब्लूटूथ 5.0 हमें मिलता है, और इस फोन में हमें P2Y कोटिंग भी मिल जाती है, यानी कि हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ भी है ये फोन। इस फोन में हमें LPDDR4X RAM भी मिलती है, और Redmi 9 कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से Google कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फोन में हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही मिल जाता है, तो मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार इसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर लेते हैं। अब एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है, और जो इसका फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा टाइम लेता है और कभी कभी अनलॉक भी नहीं करता है। तो अगर आप इस फोन को ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करें। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन को डे टू डे यूसेज में आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक से दूसरी एप्लीकेशन पे आसानी से स्विच कर पा रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर आप इस फोन में थोड़ा बहुत गेम भी खेलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया में अब पबजी बैन हो रहा है, बट अगर आप हाई एंड गेम्स खेलना चाहते हैं तो लो सेटिंग्स में इस फोन में आराम से खेल सकते हैं। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको एक ये कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और दूर से ये ऐसा लगता है कि इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें हमें एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। उसी के साथ हमें यहाँ पे एक LED फ्लैश मिल जाती है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। उसी के साथ ऊपर की ओर हमें यहाँ पे एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो Redmi 9 में हमें मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, और इन द बॉक्स हमें एक 10 वॉट का स्लो चार्जर मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आपको इस फोन में आराम से 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इस फोन को फुल चार्ज करने के लिए बैठते हैं तो आपको आराम से 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ MI की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, कुछ गेम्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे हमें Amazon, Facebook, WPS जैसी एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं, और इस फोन में हमें कोई भी बैंड एप्स देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इस फोन में हमें मिलता है MIUI 12, जिसकी वजह से जो इसका इंटरफेस है वो काफी स्मूथ है। इस फोन में एप्लीकेशंस काफी स्मूथ तरीके से चलती हैं, और पर्सनली मुझे MIUI 12 काफी पसंद आया। फोन के कैमरा एप्लीकेशन को भी एक बार खोल लेते हैं, और यहाँ पे हमें काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पे हमें एक ये मोर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो और एडिट का ऑप्शन है, और एडिट के ऑप्शन पे जाके आप मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो सेटिंग्स की बात करते हैं तो आप इस फोन में 1080p और 720p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi 9 की, और पर्सनली मुझे ये फोन काफी पसंद आया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कलर कैसा लगा, काफी ब्राइट और यूनिक सा कलर है। और अगर आप इस फोन को डे टू डे यूसेज के लिए लेना चाहते हैं, नॉर्मल यूसेज या फिर वीडियोस फोटोज वगैरह खींचने के लिए लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहते हैं लो सेटिंग्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री लेवल फोन है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।